हेलो फूडीज, वेलकम टू अमेच्योर जंक्शन। आज हम देखेंगे चौपाटी के पाव भाजी वाले सीक्रेट मसाले की रेसिपी। इस मसाले को आप पाव भाजी के साथ साथ तवा पुलाव में भी यूज़ कर सकते हैं, वेज तवा फ्राई की सब्जी में भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स वेज की सब्जी में यूज़ कर सकते हैं और ऐसे कई सूखी सब्जियों के टेस्ट मज़ेदार बनाने के लिए उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन को लो हीट पे गरम कर लेंगे और उसमें 5 टेबलस्पून खड़ा धनिया डाल देंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे, 2 टेबलस्पून सौंफ डाल देंगे और 1 टेबलस्पून मेथी दाना डालेंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें लाइट गोल्डन कलर आए तब तक। जब इसमें से धीमी धीमी खुशबू आने लगे और हल्का कलर चेंज हो जाए तब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 1 से 1.5 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाल देंगे और 15 से 20 लौंग डाल देंगे। अब इसे भी 2 से 3 मिनट तक धीमी धीमी खुशबू आने तक चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे भी उसी प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। अब फिर से उसी पैन को गैस पे रख के उसमें 2 मीडियम साइज के तेज पत्ता डाल देंगे और 20-22 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ड्राई रोस्ट हो जाने के बाद इसे भी उसी सेम प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। आपको ध्यान देना है कि ये सारे खड़े मसाले हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है। सारे मसालों को सेकने का टाइम अलग अलग होता है, इसलिए इन सबको एक साथ ड्राई रोस्ट ना करें। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप पैन की गर्मी में ही इसे 1 मिनट तक सेक लें। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें से भी हल्की खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब इसे भी उसी प्लेट में निकाल लें। अब हमें इन सारे खड़े मसालों को 15 से 20 मिनट के लिए पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट के बाद जब सारे सूखे खड़े मसाले ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें एक मिक्सर जार में निकाल लेंगे। अब हमें इसमें कुछ और मसाले डालने हैं, तो सबसे पहले मैं 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर डाल दूंगी, 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी जिससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे और 1 टीस्पून सूखे अदरक का पाउडर डाल देंगे जिसे सॉल्ट का पाउडर भी कहते हैं। अब हमें इन सारे मसाले को अच्छा फाइन पाउडर बनने तक ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लेने के बाद अब हमारे मसाले का पाउडर कुछ ऐसा दिखेगा। मिक्सर जार का ढक्कन खोलते ही आपको पाव भाजी मसाले की ताज़ा ताज़ा बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल परफेक्ट पाव भाजी मसाला घर पे ही बनके तैयार है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। इस मेजरमेंट में आपको 130-140 ग्राम मसाला मिलेगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और आपके फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।